वर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती, मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती, जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उससे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती, उससे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। जी हाँ, बदल कर आंसू की धार को मैं मुस्कुराती हूँ, जगाती ओज की धारा बहुत सुख चैन पाती हूँ, ना मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही हैं, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ। कि जब वतन की अस्मिता ही डोलती हो लक्ष्य खोकर, शब्द स्वर से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो, और क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो तो सृष्टि के कल्याण हित विश्वपान कविता है सुनो, और मांस नोचे धर्म का ही जब अधर्म गिद्ध बनकर, धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो, और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भर कर, शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो, शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। मेरी कविता शब्दों का 16 श्रृंगार नहीं है, मेरी कविता शब्दों का 16 श्रृंगार नहीं है, मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है, मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है, और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। तो क्या है मेरी कविता? मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की ड्योढ़ी पर पहरेदार खड़ी है, मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकरा कर टंकार करेगी, और मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल के कुल का कुल संहार करेगी, मेरी कविता पृष्ठ व्यवस्था का प्रतिकार करेगी, और शब्द शब्द में मेरी कविता भारत माँ की जय जयकार करेगी। मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी, और वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान कहेगी। मेरी कविता भोले शंकर का विश्वपान कहेगी, सागर तट पर कुपित राम का शर संधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पार्थ से गीता ज्ञान कहेगी, और शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी, शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी। I feel proud to be an Indian. I being a Indian, I being a simple daughter of this motherland, feel proud to be an Indian. और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े हर उस जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और किसान को, और हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी मेहनत लगन और पूर्ण निष्ठा के साथ करते हैं और इस प्रकार के मंच युवाओं को प्रदान करते हैं। जी हाँ, मैं उनको शब्द चढ़ाती हूँ, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था, रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लगा था जेलों की दीवार पर, अरे बदल कर बंधी थी बेड़ियां दिल मगर आजाद था, रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, जय हिंद जय भारत।